नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहा था आबकारी उपनिरीक्षक पंकज जैन की काली करतूत उजागर, पुलिस ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। सीएसपी डॉक्टर रजनीश कश्यप की बड़ी कार्रवाई। उज्जैन में एक आबकारी उपनिरीक्षक द्वारा एक नाबालिग लड़की से सेक्सुअल हरासमेंट का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में आबकारी उपनिरीक्षक को रंगे हाथों नाबालिग लड़की के साथ एक होटल में रंग रैलियां मनाते हुए गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आबकारी निरीक्षक के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट और पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। गिरफ्तार किए गए आबकारी निरीक्षक का नाम पंकज जैन है। सीएसपी नीलगंगा डॉक्टर रजनीश कश्यप के मुताबिक पीड़ित नाबालिग आबकारी उपनिरीक्षक पंकज जैन के घर पर काम करती है। उसने इसी का फायदा उठाया और नाबालिग को बरगलाकर उसका सेक्सुअल हरासमेंट करने लगा। पिछले करीब एक साल से वह नाबालिग की असमत लूट रहा था। कभी वह उससे अपने घर में ही अपनी हवस का शिकार बनाता तो कभी गाड़ी में बैठा कर होटल ले जाता और उसका यौन शोषण करता। यही नहीं, आशिक मिजाज आबकारी उपनिरीक्षक नाबालिग के मोबाइल पर अश्लील वीडियो और फोटो भेजता था। आए दिन की उसकी इन हरकतों से परेशान होकर नाबालिग ने अपनी मां के साथ मिलकर पुलिस को सूचना दी। इस पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और इंदौर रोड स्थित होटल मधुवन से उसे लड़की के साथ रंग रैलियां मनाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मामले में होटल के मैनेजर और एक कर्मचारी को भी गिरफ्तार किया गया है। सीएसपी डॉक्टर रजनीश कश्यप के मुताबिक आबकारी उपनिरीक्षक जिस नाबालिग की इज्जत लूट रहा था लगभग उसी उम्र की दो बेटियां का वह बाप है। भरोसे की मर्यादा को तार तार कर देने वाले इस हाई प्रोफाइल मामले को दबाने के लिए पुलिस पर भारी दबाव भी आया, पर मीडिया में खबर आ जाने से पूरे मामले का भंडाफोड़ हो गया। इस पूरी कार्रवाई में सब इंस्पेक्टर गगन बादल, महिला उपनिरीक्षक राखी गुर्जर, आरक्षक दिग्विजय सिंह, आरक्षक राहुल कुशवाहा और पीयूष मिश्रा जी शानदार भूमिका रही। का मामला सामने आया है जिसमें एक अधिकारी भी आपने पकड़ा है, क्या है पूरा मामला और किस विभाग से संबंधित है ये जो मामला है? मामला ऐसे एक नाबालिग लड़की है जिसकी उम्र 17 वर्ष है, थाना नीलगंगा की निवासी है। उसके द्वारा कल मेरे ऑफिस में आवेदन दिया गया कि उसका जो जिसके वो काम करती है तो पंकज जैन नाम है उनका, वो आपका भी समझ सकता है उज्जैन में, तो उसके द्वारा उसका 10 से 11 माह से लगातार शोषण किया जा रहा है और इसके लिए दवा बनाने के लिए उसने उसकी वीडियो भी बना रखी है अश्लील और उसको धमकी भी देता है कि मैं पुलिस में हूँ और बोलता है कि मैं तुझे फंसा दूंगा। तो इस डर से लड़की के साथ शोषण करता है और जब उसके घर में उसकी बीवी नहीं होती थी तो घर में भी संबंध बनाता था, वो होटल में भी उसको ले जाता था। तो कल उसने जैसे बताया तो उसको बताया गया कि उसको रंगे हाथों पकड़ना है, इसलिए लड़की से संपर्क लगातार किया गया। तो लड़की ने आज सुबह बताया कि वो 10:30 बजे उसने उसको होटल मधुबन में बुलाया है और पहले भी मधुबन होटल में ही बुलाता था वो। तो इसके लिए एक टीम बनाई गई जिसमें महाकाल थाने से गगन बादल और नीलगंगा थाने से महिला सब इंस्पेक्टर राखी गुर्जर, प्रवीण आर्य और महिला आरक्षक और पुरुष आरक्षकों की टीम बनाकर तैनात की गई और एक टीम पहले से ही होटल के पास पहुँच गई सिविल डिफेंस में, उनके द्वारा देखी गई, देखा गया और जैसे ही उसकी गाड़ी इंटर हुई वो अंदर चला गया। तो दूसरी टीम के साथ मैं खुद गया और उधर देखा तो होटल में उसकी कोई एंट्री नहीं थी और ना ही कुछ था। फिर होटल के कमरे में वो लड़की के साथ मिला, उस लड़की ने होटल में बताया भी कि ये उसके द्वारा लगातार शोषण किया जा रहा है और धमकी दी जा रही है, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ 376 और पॉक्सो का मुकदमा दर्ज होगा क्योंकि लड़की ने बात। सर इसकी क्या नौकरानी थी सर, क्या थी? हाँ, ये इसके यहाँ काम करती थी, पहले इसकी माँ काम करती थी, फिर माँ की तबीयत खराब होने के बाद ये इसके यहाँ घर में काम करती थी।